तो हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी। और आज का जो वीडियो है आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे चार रील है जो कि इसमें जो प्रॉब्लम है दो सही है और दो खराब है, तो उसको हम चेक कैसे करेंगे और इसमें किस टाइप के मतलब खराब होता है, कैसे कैसे काम करता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, आप देख पा रहे हैं किसी भी रिले है, ठीक है। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे 12 वोल्ट है, इसमें आपको दिखा देता हूँ। ओके, देख पा रहे इसमें 12 वोल्ट है, ठीक है। इसको सेट रखता हूँ और आप देखते हैं कि जितने भी रिले हैं, तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि आप देख पा रहे हैं इसका जो पिन का डायरेक्शन है वो दोनों सेम है और इसमें नंबर भी लिखा हुआ है 85 और 86, देख पा रहे हैं। ये दोनों पिन नेगेटिव पॉजिटिव जब मिलता है तब ये रिले एक्टिवेट होता है और आवाज़ करता है, जैसे आप सुन सकते हैं। अभी मैंने आपको दिखाता हूँ, सुना एक बार इस टाइप की आवाज करते हैं, नेगेटिव पॉजिटिव इसे जब भी मिलता है तब ये एक्टिवेट होता है रिले और आपस में ये अटैच करते हैं, देख पा रहे हैं। तो अब दूसरा मैं रिले चेक करता हूँ, ये दोनों का पिन शायद इसमें हम लगाएंगे, तो ये खराब है रिले, इसको हम बाहर करते हैं। अब ये बच गया, ये भी आवाज़ कर रहा है, यानी कि ये भी सही लग रहा है। एक बार और चेक करेंगे, और ये बच गया छोटा वाले माइक्रो रिले, तो उसको भी हम चेक करते हैं। इसमें नंबर भी लिखा हुआ है आपको 85 और 86, इसमें ये दोनों बार ये रिले के क्वायर है, यानी कि सही है। तो गाइस इसको हम चेक कर लेते हैं एक बार सही है कि नहीं है, क्योंकि आउटपुट तो सप्लाई निकालना चाहिए, बट ये रिले एक्टिवेट कर रहा है लेकिन इसको आउटपुट भी सप्लाई निकालना चाहिए। तो इसको हम चेक करेंगे, क्या करेंगे, एक छोटा सा वायर भी ले लेते हैं, जैसे ये वायर, और बल्ब का जो नेगेटिव है उसको भी हम लगा देते हैं, क्योंकि यही दोनों तो वायर है जो कि बैटरी से 12 वोल्ट दे रखा है मैंने। बल्ब के नेगेटिव लगा लिया और जो पॉजिटिव आप आउटपुट करेगा रिले उससे हम लगाते हैं। तो ये है बल्ब का वायर जो कि आउटपुट होगा, ये नेगेटिव मैंने दे दिया, तो इसको हम लगाएंगे जहाँ आप देख पा रहे हैं 87 या तो फिर 30। तो अभी हम 30 में लगा दें, ये 30 रुपीन है, इसमें हम लगा लिए बल्ब का जो आउटपुट करेगा और इनपुट जो लेगा यहाँ लेगा, ठीक है। ये थोड़ा सा करते हैं, ये तो ये रिले एक्टिवेट होने के लिए भी तो नेगेटिव पॉजिटिव चाहिए दोनों का पिन के लिए, तो ये पॉजिटिव चाहिए ऑलरेडी, तो इसको आपस में हम सटाते हैं स्टेप पे ऐसे। ओके, हम फिलहाल चेक करने के लिए, इस स्टेप के ये वाले ग्राउंड है
तो इसको हम लगाएंगे। आप देख पा रहे हैं किस टाइप की मैंने सटाई है। और ये वाला भी है। तो अब ये जो बच गया पिन, इसको हम नेगेटिव वायर लगाएंगे, जैसे कि ये है वायर। यानी कि ये वर्क कर रहा है सही तरह से रिले। ये 4 पिन रिले मैंने चेक कर लिया, इसको इसी तरह चेक करते हैं। अब जो ये इसका बारी, अब क्या करता हूँ, ये तो नेगेटिव है तो इसको हम इसमें लगा दिए। और ये बल्ब का आउटपुट पिन इसमें, और इनपुट, ठीक है, और इसमें रिले एक्टिवेट। भले ही रिले एक्टिवेट हो रहा है बट ये सप्लाई नहीं निकल रहा है। देख पा रहे हैं, यानी कि ये रिले एक्टिवेट हो रहा है लेकिन ये जो आउटपुट है वो सप्लाई नहीं निकल पा रही, यानी कि ये रिले खराब है। देख पा रहे हैं, अब ये 5 पिन रिले, अब यहाँ पे देख पा रहे हैं, यहाँ पे डिग्राम भी छपा हुआ है 30 और 87 ये। तो गाइस अभी देख सकते हैं कि ये जो 830 है, 30 पिन 87 से भी जुड़ा हुआ है। जो 837 है ये पिन बीच वाले, और ये अभी दोनों आपस में अटैच है। अभी रिले एक्टिवेट नहीं है, जब भी हम इसमें 12 वोल्ट सप्लाई देंगे तो ये एक्टिवेट हो जाएगा। जैसे आप चेक करके आपको दिखाता हूँ। जिसे मान लीजिए ये मैंने लगा दिया, ठीक है, बल्ब का वायर, और इसमें हम अटैच करेंगे तो जलेगा, ठीक है। तो इसमें देखिए, देख पा रहे हैं जो पिन है, सॉरी 87 है, ये 86 है, और 30 नंबर वो पिन है। अब देख पा रहे हैं, देख पा रहे हैं, तो इसमें हमने लगा दिया है और इसमें लगा रहे हैं, यानी कि ये भी आपस में जुड़ा हुआ है। और इसमें अगर नेगेटिव पॉजिटिव देंगे तो ये आपस में कट जाएगा, यानी कि यहाँ से जो जुड़ा हुआ है ये जुड़ा हुआ है यहाँ पे कट कर देगा और 87 को जोड़ देगा 30 नंबर पिन नंबर से, इसको हटा देगा। यहाँ पे जब भी क्वाइल एक्टिवेट होगा 85 और 87 में, तो ये 87 को जोड़ देगा और 87 ये को हटा देगा। आपको दिखाते हैं, जैसे कि आप देख पा रहे हैं ये 12 वोल्ट सप्लाई, इसको मैंने 30 में और 86 से जोड़ देता हूँ, 85 से। तो थोड़ा सा दिक्कत है लेकिन एडजस्ट अभी हो गया ये। और अभी आपको दिखाता हूँ, जैसे कि हम रिले एक्टिवेट करेंगे तो बंद हो जाएगा लाइट। जैसे आपको दिखाता हूँ थोड़ा सा एडजस्ट, देख पा रहे हैं, जैसे कि मैं बल्ब टच करूंगा रिले एक्टिव होगा, ये जल रहा है। अभी रिले सप्लाई देंगे, देख पा रहे हैं, यानी कि इसमें आउटपुट कर रहा है। अभी देख पा रहे हैं ये पिन जो है 87 और बीच वाले 87 ये है। तो इसमें अगर रिले
एक्टिवेट नहीं, मतलब इसमें सप्लाई नहीं दे रहे हैं कॉइल में, तो ये आपस में डायरेक्ट जुड़ा हुआ है, देख पा रहे हैं। और जैसे ही सप्लाई देंगे ये आउट हटा के इसमें कट देता है और इसमें आपस में सटा देते हैं, देख पा रहे हैं। जैसे भी बंद है तो इसमें नहीं आ रहा, इसमें आ रहा है बीच वाले। और जैसे मैं सप्लाई दूंगा, जैसे एक्टिवेट हुआ आवाज़ इसमें आ गया और इसमें बंद कर दिया, तो आप देख पा रहे हैं इस टाइप के ये चेक होता है। और गाइस कभी कभी क्या होता है कि कभी कभी कि मीटर में 160 लिख के आता है महिंद्रा बोलेरो स्कॉर्पियो में, तो इस टाइप के भी हैं, देख पा रहे हैं। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये दोनों पिन का साइज है एक जैसा नहीं है, डिफरेंट है। और ये दोनों देख पा रहे हैं, ये दोनों इक्वल है, यानी कि इसमें नेगेटिव पॉजिटिव आता है जो कि ECM से आता है या तो फिर मतलब रिले का कॉइल है। तो अगर उस टाइप के रिले को हमें डायरेक्ट करना होता है, जैसे मान लीजिए रिले एक्टिवेट खराब था क्योंकि ये तो एक्टिवेट हो रहा था बट ये आउटपुट सप्लाई नहीं निकाल रहा था, तो इसको हम डायरेक्ट कर सकते हैं। इस यहाँ से लेकर यहाँ तक टुकड़ा सा वायर लेंगे, जैसे कि ये वायर, और यहाँ पे ऐसे अटैच कर देंगे तो क्या होगा, ये डायरेक्ट हो जाएगा। लेकिन हाँ, क्योंकि इसमें तो जैसे मान लीजिए इस पिन में वोल्टेज रहना चाहिए, अगर नहीं रहेगा वोल्टेज तो एक्टिवेट रिले होगा, बट ये अगर वोल्टेज ही नहीं रहेगा तो इनपुट रहेगा नहीं, तो आउटपुट क्या करेगा, जीरो नहीं। तो इसको भी चेक कर लेना जरूरी है आपको। जैसे मान लीजिए ये ब्लॉक है, ठीक है, जैसे इसमें चेक किया मैंने कि इसमें करंट नहीं आ रहा है और इसमें आ रहा है, ठीक है ना, इसमें एक तो आना चाहिए ना ये दोनों पिन वाले में, ठीक है। अगर मान लीजिए दोनों में नहीं आ रहा है तो एक में तो कोई वायर इसका कट गया है, क्योंकि दोनों में तो एक तो होना चाहिए, या तो फिर एक इनपुट होगा या तो फिर एक आउटपुट होगा। तो दोनों अगर एक इनपुट होगा और आउटपुट तो होगा, तो इसको भी चेक करना है जरूरी है हमें। और यहाँ से भी आप चेक कर सकते हैं, मल्टीमीटर के दोनों फ्रॉक इसमें लगाइए और चेक कीजिए 12 वोल्ट सप्लाई निकाल रहे हैं तब सही है। तो इस वीडियो में सिर्फ यही कि हम इसे रिले को कैसे चेक करें और इसको हम डायरेक्ट कर सकते हैं। रिले बहुत तरह से ख़राब होता है, आप देख पा रहे हैं इसमें भी रिले एक्टिवेट हो रहा था बट इनका आउटपुट सप्लाई नहीं निकाल रहे थे, और ये सडनली ऑफ था, जैसे इसको हम करंट दे रहे थे ये कुछ भी आवाज़ नहीं कर रहा था।